नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है एक खास मुलाकात। जी हां, आज हम बेगूसराय जिला के मंझौल गांव में हैं। यहां हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, राजद के युवा प्रवक्ता अनुराग कुमार। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सर नमस्कार जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये कहेंगे, आप सर राजद के युवा प्रवक्ता हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को एक भी सीट नहीं मिली, कहाँ कमी रह गई, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ कमी रह गई? कमी तो कमी के कारण तो बहुत कुछ हो सकता है जी। वही तो सब पूछ रहे हैं आप एक भी। और ऐसे भी इस बार विकास पे जातिवादी के राजनीति पे विकास भारी पड़ा जी। तो समीकरण के जो बल पर जो ओवर कॉन्फिडेंस थे जी, तो वही जाकर इनको मात पड़ा जी। तीसरा बात, जो राजद की जो हार हुई, मेन लालू यादव के जेल में रहने से जी, बाहर कोई बढ़िया से मैनेजमेंट करने वाला नहीं रहा, बीच में परेशानी होती रही, एक तेजस्वी अकेले कितना संभालते, वो अपना हद तक वो किए। और ये महागठबंधन लालू जी बनाए थे सोच के कि मोदी का तोड़, लेकिन महागठबंधन में रिश्तों की करवाहट पहले ही से थी, अंदर से चुमुगा रही थी जी। यानी महागठबंधन तो था लेकिन नाम का था जी। प्लेटफॉर्म लोग उस मुताबिक भीड़ को, जैसे कुछ हवा में भीड़ होती थी, उसको हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए जी। सर, जैसा कि मैंने भी देखा नॉमिनेशन के वक्त उसमें काफी भीड़ होती थी, उसके बावजूद एक भी सीट नहीं जीते, इसमें सर आप क्या कहेंगे? सर, आप बैकअप का अभाव जी, बैकअप का अभाव जी। और एक सर, पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में तनवीर हसन जी को टिकट मिला था राजद की तरफ से, वो 2 नंबर पे रहे थे और इस बार 3 नंबर पे चले गए, कन्हैया कुमार से भी पीछे चले गए, इसमें आप क्या कहेंगे? सर, आप कन्हैया कुमार से पीछे चले गए, कन्हैया कुमार कोई मुद्दा था भी नहीं जी। ऐसे भी कन्हैया का सीपीआई से इसका 1,40,000 तो कैडर वोट इसका आता है जी। और इसका मेन यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को हराने के लिए ही बीजेपी का ये चाल था कि कन्हैया को खड़ा करके भूमिहार वोट, जो मुस्लिम वोट है वो काट लिया जाए जी। जिस तरह जो आधार वोट है वो कट गया जी। इसलिए गिरिराज सिंह को काफी अधिक मतों से उनकी विजय हुई जी, जी। और हमारी पार्टी हारी नहीं, इसको हराया गया जी। ये भी मोदी और अमित शाह, आप कैसे कह सकते हैं आपकी पार्टी हारी नहीं, हराया, इसका क्या कारण है? कौन आपकी पार्टी को हरा दिया? कारण इसमें तो बहुत, पहले तो बोले कि महागठबंधन का आंतरिक कलह जी, समझे, और पूर्णतः महागठबंधन को पूर्ण रूप से इसको लागू नहीं करना जी। या तो कन्हैया को उम्मीदवार बनाना या तो तनवीर हसन को जी। अगर हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी एक तरफ महागठबंधन का नाम ले रहे थे जी, तो कन्हैया भी गठबंधन में ही थे, तो यहाँ पर वो गठबंधन को के नियम का, धर्म का पालन नहीं किया जी। तो इसलिए, और यहाँ पर पहले ही समझ लिया था, बीजेपी वाला भी समझे हुए थे, जो मोदी लहर में 4 लाख का वोट लाने वाला आदमी, इस बार तो और सॉफ्ट लहर है जी, इस बार और आ जाएगा, इसलिए कन्हैया को एक तरह का समझ लीजिए यूज करने के लिए, यानी प्लान बी का प्रयोग किया अमित शाह के द्वारा जी। और आज देखिए संजोग से कि इलेक्शन खत्म हुआ जी, सब कुछ खत्म हुआ, कन्हैया को उसको निर्दोष साबित कर दिया गया जी। वो ऐसा ही प्लान ही था जी। यही बस यही चीज है कि अनुभव के आधार, अनुभव अखरता है यहाँ पे। सर, आपकी पार्टी को हार हुई है सर, क्या पार्टी भी चेंज करेंगे? सर, आप एक खबर आ रही कि आप इस्तीफा भी देने वाले हैं। पार्टी चेंज करना समाधान, समस्या का समाधान नहीं है जी। पार्टी अगर चेंज करने लगेंगे फिर तो वही पार्टी वो सही करेगी ना जी। इसी पार्टी को मजबूत किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। दूसरा MOI समीकरण जो इनका है जी, ये तो पूरी तरह से विफल हो गया जी। सर, 6 से 7 महीना रह गया 2020 के विधानसभा चुनाव में, उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उसमें सर लालू की वापसी होगी निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर, क्या है कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री का चुनाव था लोकसभा जी, और आज तक इतिहास में हम लोग पढ़ा करते थे कि सांसद सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाता है जी, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ कि एक प्रधानमंत्री अपने दम पर 303 सांसद को जिता दिया जी।
और एक बहुत अच्छी बात बोली है और जानते हैं और क्या दूसरी दूसरी विकास जातिवाद पे विकास भारी पड़ा जी। लोग समझने लगे यानी समीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी जी। अगर नहीं संभले हमारी पार्टी एक प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के अधिकारी होने के नाते सुचिंतक होने के नाते जी। हम बार बार तेजस्वी जी को कहते हैं अगर चलना है पार्टी को चलाना है तो उनको नया जमाना के अनुसार चलना पड़ेगा जी। जैसे जिस तरह से देखिए बीजेपी की पार्टी थी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी जी। जितना ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो बीजेपी के या जितना नीचे वाले वर्ग हैं वो कांग्रेस के जी। लेकिन ऐसा नहीं है आज उठा के देख लीजिए बीजेपी अपना नियम को तोड़ी और समयानुसार अध्यक्ष देखिए नित्यानंद राय है यानी टैलेंट का स्थान दिया गया जी। जी सर, नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? नरेंद्र मोदी आखिरकार अच्छे नहीं है ये तो, सर आप कैसे कहते हैं उनको नहीं, नहीं। इस बार भारी मतों से उनका वही नहीं नहीं पूरी बात सुन जी सर। आखिरकार हर चीज में जरूरी नहीं है कि विरोधी का शिकायत करना ही विरोधी के खूबी से भी सीखना पड़ता है लोगों को जी सर। रही बात नरेंद्र मोदी जी का जी। तो हम तो कैसे करते हैं शिकायत नाम का तो कोई चीज नहीं है जी। उनके लिए ऐसा तो सर हम क्या समझे कि आप सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर आप? नहीं 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 ऐसी बात हो रही है आप बताइए कि आप ट्रंप लोग को अच्छा लगता है इसका मतलब क्या होगा अमेरिका का पार्टी ज्वाइन कर लेंगे जी? नहीं सर ऐसा तो नहीं। तो वही बात है अच्छाई जब किसी का हो तो उसमें गिनती उसके बारे में बोलना चाहिए उसके बारे में सीखना चाहिए जी। यही सर एक आपकी पार्टी की कहां अचूक रह गई जिससे मतलब एक भी सीट सर नहीं मिली सर? देखिए इसमें सर सभी को आश्चर्य क्योंकि सर लालू जी जिसमें बाहर थे उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ पूरा इतिहास में सर। इसमें सर आप क्या कहेंगे? देखिए दूसरी बात ये एक गलती मैनेजमेंट की हुई है जी। कि जितने भी पुराने बैट्समैन जितने पुराने आदमी हैं जो घेरे हुए हैं पार्टी को जी। युवाओं का भागीदारी इसमें कम हुआ युवाओं को फ्रंट पे लाया जाता जी। दूसरा लालू यादव का लहर चला हुआ था जी। और तेजस्वी खुद प्रोग्राम ले रहे थे हर जगह जा जाके जी। तो उनको चाहिए था कि राबड़ी जी जो घर में बैठी हुई है जी। तो मंच पर उनको भी साथ में आना चाहिए बीच में सर दोनों भाई में भी फूट हो गया सर उसमें सर क्या कहेंगे आप? ये फूट नहीं है वो तो मीडिया का अपना बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी है जी। हर परिवार में नहीं सर वो तो खुद ही बोले थे दूसरी पार्टी का हम गठन करेंगे। नहीं 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 दूसरी पार्टी का गठन नहीं करेंगे बोले जी। बोले कि लालू राबड़ी मोर्चा बनाया जाएगा पार्टी का गठन नहीं इससे हम अपने पार्टी को और मजबूत करेंगे जी। उनको भी शक था कहीं न कहीं हो सकता है गलतफहमी के शिकार हो गए जी। कि अब एक ही लक्ष्य है सब पार्टी का कि राष्ट्रीय जनता दल को किसी भी तरह बाय हुक एंड क्रूक उसको तोड़ो। आप सर एक राजद के युवा प्रवक्ता रहते हुए आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप जनता को संदेश की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि भाई केवल वादा से काम नहीं चलेगा जी। जो नेता अपना कहे हुए वादे को निभाए वही नेता है जी। और एक आम इंसान होने के नाते हम भी कहना चाहेंगे मीडिया के लोगों को भी कहना चाहेंगे वास्तविकता को दिखावे जी। आप हम लोग सर्वे आपको रोड पर सर्वे नहीं होता है असल सर्वे लेना है तो खेत खलिहान में जाइए जहाँ ग्रामीण आबादी है गरीब के मोहल्ले में जाइए वहाँ से पूछिए। हाईटेक के लोगों के बारे में ऐसे सर्वे नहीं होता है जी। तब जाके आपको हकीकत चलेगा पता कैसी कहते हैं कहाँ तक देश करेंगे। एक और आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कैबिनेट में सर जदयू को एक भी सीट नहीं मिला सर इसमें सर आप क्या कहेंगे? आप देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी इनको जैसे लालू जी पलटू राम जो बोले वो गलत नहीं बोले जी। और जहाँ तक है कि नरेंद्र मोदी जितने भी सहयोगी दल हैं उसके बारे में कही थी कि हर सहयोगी दल से एक एक को मंत्री बनाया जाएगा जी। और इनका ख्वाब भी कुछ ऊंचा है जी। जैसे लालू जी एक बार कहे थे ना जब पिछला बार गठबंधन को तोड़कर यानी मैंडेट को धोखा देकर फिर से पिछली दरवाजा से बीजेपी से मिल लिए थे तो ये आदमी में कैची कहते इसको जहाँ खूबी मिलेगा वहीं पर ही जाएंगे। जैसे कनपट्टी में सिंदूर डालने से ब्याह नहीं हो जाता है जी सर। लोग कह रहा था कि एकाएक रात को बातचीत चला दूसरे दिन बीजेपी में घुस गए निकल गए तो हमको तो लगता है पलटू राम का कि तो उनका नियत ही वैसा है अधिक चाह रखते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं
कि हर समय डिक्टेटरशिप में चाहते हैं कि हर चीज का क्रेडिट इन्हीं को मिले, जो इनका सबसे जो इनको विधानसभा में जनता इनको इनके औकात पर लाएगी। जातीयता के नाम पर सबसे अधिक जातिवादिता यही फैला रहे हैं। और अभी प्रशासन जितना लचर व्यवस्था है प्रशासन का, आए दिन मर्डर हो रहा है, तो सुशासन वो कहाँ के सुशासन? या हो सकता है कि बीजेपी इसके चाल पर इनको देखकर पहले ही हटा दी होगी, क्योंकि बीजेपी के चेहरा ही से जीते हैं। नीतीश जी पिछले लोकसभा में 2 से 3 सीट था, इस बार उनको 1600 का 16 सीट आया, इसमें निश्चित प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा काम किया। मैं एक बात बता दूं, 17 में सर 16 है जदयू को। हाँ, एक हार आ गए, एक हार गए हैं किशनगंज से, वो हारे एक हारे हैं। तो निश्चित समझिए कि मोदी के चेहरा पर जीते हैं जी सर, और इनको कॉन्फिडेंस ही लग रहा है कि हम जिताए हैं जी। और इसी कॉन्फिडेंस में आकर ही इनका डिमांड था कि 7 को मंत्री बने जी सर, कैबिनेट में, केंद्र में। तो भाई और भी सहयोगी दल है ना जी सर, तो उनको भी इसको भी तो लेके चलना होगा जी। हाँ, तो नीतीश कुमार जी आए दिन सुन रहे हैं कि कुछ नया तैयारी कर रहे हैं जी, तो मीडिया को सबसे अच्छा से पता होगा वो क्या करने वाले हैं। हाल में सर 8 मंत्रिमंडल जो शपथ लिए उसमें एक भी सर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, ओनली फॉर जदयू है, इसमें सर आप क्या कहेंगे? यही तो होना ही था जी, तो टेट फॉर टेट वाला नियम ही अपना है जी। हाँ, वो तो सीधे तो हमारा न्योता ने दिया, देहाती भाषा में ना कि तुम हमारा न्योता नहीं देनी तो रो हमें नहीं देखो जी जी। वो तो इनका ही है, जैसे मोदी प्रधानमंत्री मोदी को दावत देकर कच्ची कहते हैं, दावत में इनको नहीं बुलाया गया था, आप लोगों को तो पता होगा पिछली बार। हाँ, तो नरेंद्र मोदी भी मिला तो इनको लगता है कि, लेकिन इनकी कमजोरी मोदी और बीजेपी के हर लोग जानते हैं, इसलिए खुलकर विरोध नहीं करते हैं जी जी। तो ये बार बार सबको समझेंगे कि एक ही बात, लालू यादव, तेजस्वी यादव। तो रहे थे राजद के युवा प्रवक्ता अनुराग कुमार से, आज की पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन ओम बच के साथ मैं प्रेम कुमार, नमस्कार।